बहुत ही अच्छा लगा मिस्टर एंड मिसेस इंडिया। तो आई एम एसोसिएट विद दिस ऑर्गेनाइजेशन और आज बहुत अच्छा लोकेशन था मड में रिट्रीट, वहाँ पे हमने काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस किया फ़ोटोशूट का। काफ़ी नए बच्चे हैं, हाँ काफ़ी होश है उसके अंदर कुछ करने का, और ये कंसेप्ट भी बहुत अच्छा है, उसको काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। यहाँ पे ग्रूमिंग हो रहा है, डांसिंग हो रहा है, एक्टिंग के कुछ टिप्स दिए जा रही है। आज हमने फ़ोटोशूट किया, इट वॉज गुड एक्सपीरियंस। हम लोग ये सोच रहे थे कि पूरी इंडिया से बच्चे निकलने चाहिए, तो हमने 72 सिटीज़ के अंदर ऑडिशन रखा था। अगर हमें कंटेस्टेंट चाहिए तो सिर्फ हम मुंबई दिल्ली से ले सकते थे, लेकिन हमें पूरी इंडिया से टैलेंट निकालना था, ब्यूटी निकालनी थी, ताकि पूरी इंडिया से बच्चे आ पाए। तो बस इसी कॉन्सेप्ट में सोच के हमने ये प्रेजेंट शुरू करा, डेलीवुड मिस्टर इंडिया एंड डेलीवुड मिसेज इंडिया। 20 लेवल्स हैं जिनको उन्हें मार्किंग करी जा रही है, पॉपुलैरिटी, हाइट, फेस, स्माइलिंग, हर चीज़ की कैटेगरीज है। हम लोगों ने बेसिकली उस पे ज़्यादा जोर दिया है, रादर देन कि हाइट होना बहुत ज़रूरी है, खाली मेन आईक्यू लेवल और पर्सनालिटी, बेसिकली उसी को है। अगर आपका चेहरा अच्छा है, टैलेंट अच्छा है आपके पास, हम उसको आगे ला रहे हैं, हाइट को नहीं देखते, क्योंकि बॉलीवुड में हाइट का मैटर नहीं करता, एक्टिंग का ही जोर है। इस वजह से मीडिया का मैं थैंक्स करता हूँ, बिकॉज कोई भी शो मीडिया के बिना सक्सेस नहीं होता है। जहाँ मीडिया है वहाँ पर सक्सेस है। मीडिया का आने का भी और यहाँ आपका कीमती समय देने का भी मैं थैंक यू करता हूँ।